यदि एक व्यक्ति कंपोजिशन लेवी में रजिस्टर्ड है और यदि वह कंपोजिशन लेवी की किसी भी एक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता जिसके कारण वो टैक्सेबल पर्सन बन जाता है जो जिसके ऊपर नॉर्मल रेट लगने चाहिए, तो उस केस में जिस डेट को वह कंपोजिशन लेवी से नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बनता है उस तारीख को उसके पास जितना भी स्टॉक है जिस पर उसने इनपुट टैक्स दिया हुआ है वह उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति साधारण टैक्सेबल पर्सन है और यदि वह कंपोजिशन लेवी का विकल्प लेता है तो वह जिस तारीख को इस विकल्प के लिए अप्लाई करता है तो उस तारीख को जितना भी स्टॉक उस व्यक्ति के पास उपलब्ध है जिन पर कि वह इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुका है उसे उस पर टैक्स दोबारा चुकाना होगा। यदि जीएसटी के अधिकारी को यह लगता है कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे और फिर भी आपने इस स्कीम को यूज किया तो वह क्या करेगा कि जितनी भी आपने अब तक सेल की है उस सेल पर डिफरेंस टैक्स कैलकुलेट करके आपसे टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मंगा सकता है। परंतु कोई भी यदि वो डिमांड करता है तो उससे पहले आपको वो एक शो कॉज नोटिस जरूर देगा जिससे कि आप उसका जवाब दे सकें और अपनी बात को रख सकें। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कंपोजिशन स्कीम लघु और छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत ही रिलैक्स देने वाली स्कीम है और हम अपने साथियों को या अपने क्लाइंटों को सलाह दे सकते हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाएं।